हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। आपका मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर होता है, उससे पहले मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल पढ़ाना चाहता हूँ लीस्ट स्क्वायर का होता क्या है, ताकि आप जो भी कर रहे हो आपको समझ आ जाए आप बेसिकली कर क्या रहे हो। पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा और उसके बाद मैं आपको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का भी पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा। कौन कौन से कर्व्स होते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में वो आपको बताऊंगा, कैसे बेसिकली होता है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्यों हम करते हैं, सब चीज बताऊंगा। न्यूमेरिकल आपके नेक्स्ट वीडियो से चालू हो जाएंगे और जितना मैंने कराया हुआ है पूरे टॉपिक्स में उतना बहुत है आपके लिए करने के लिए। आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, सारे मेरे क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप एग्जाम में गारंटेड परफेक्ट करके आएंगे। तो स्टार्ट करता हूं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर से। बेसिकली ये एक प्रोसीजर है आपका टू फिट अ यूनिक कर्व थ्रू द गिवन पॉइंट्स। लेट्स से मैं कहता हूं वाई इक्वल टू एफ एक्स बी द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। आप समझिए है क्या ये। आपको सैंपल्स में डेटा दिया होता है, जबकि मान लीजिए मेरे पास कोई भी डेटा है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स एन वाई एन। अब मेरे लिए अच्छा ये रहता है कि ये जो डाटा है, मान लीजिए मुझे किसी पॉइंट पर पूछा जाता है कि लेट्स से एक्स एम पर वाई कितना होगा। अब इन सैंपल्स के थ्रू तो मैं नहीं बता सकता, सिर्फ सैंपलों को स्टडी कर लूं। बेसिकली क्या है, मेरे पास अगर एक इक्वेशन होगी, कर्व की इक्वेशन होगी, तो मेरे लिए बहुत आसान रहेगा बताना कि एक्स एम पर वाई की कितनी वैल्यू रहने वाली है। तो यही होता है इक्वेशन का सिग्निफिकेंस। तो ये जो सैंपल डेटा है इसको इक्वेशन में एक कर्व में कैसे फिट करना है, ये जो पूरा प्रोसीजर है दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब करें कैसे इस चीज को, जो कर्व है बनाए कैसे, ये देखिए आप कि यहां पर अगर मैं बताऊंगा आपको, यहां देखोगे तो पी वन पॉइंट है, पी टू है, पी थ्री है, पी फोर है, पी फाइव है। तो मान लीजिए ये अलग अलग सैंपल है, एक्स के अलग अलग पॉइंट्स हैं, यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब आप देखिए हमें एक ऐसा कर्व बनाना होता है जो कि बेस्ट है इस पूरे डेटा के लिए, फिर उसकी एक जनरल इक्वेशन हम दे देंगे। बट होता क्या है, आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर हमें मदद यही करता है कि हम कैसे एक परफेक्ट कर्व बना सकते हैं। अब आप देखिए हर एक चीज में आपकी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है या फिर इसको ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलते हैं, और आप देखेंगे एक होती है आपकी जो कि आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू। तो अब जो ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और जो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो कि आपकी जिसको ये और बोलते हैं कि हम ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो वो हमेशा अंतर आती हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने कभी करा होगा तो जो थ्योरेटिकल वैल्यू है और जो कि आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, हल्की सी दोनों अलग आई होंगी। कभी भी ऐसा नहीं होता, जैसे कि मैं अगर कहूं कि लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, वो जो आपका फर्स्ट ईयर में एक एक्सपेरिमेंट रहा था उसमें, तो अगर वहां पर मैं लेंथ को अलग अलग चेंज करता रहता हूं वहां पर चीजें चेंज होती रहती है, बट जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू थी उससे बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल थोड़ी सी डिविएटेड आती थी। क्यों आती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं हम आइडियल कंडीशन में कभी नहीं करते, क्योंकि आइडियल कंडीशन हमारे पास नहीं हो सकती हमेशा, तो इसलिए थ्योरेटिकल और आइडियल में अंतर आता है। वो अंतर हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो हमारे जो कर्व में इतना ना हो। बेसिकली यहां पर देखिए, यहां पर पी वन आया है जबकि थ्योरेटिकल वैल्यू ये थी आपकी, यहां पर P2 आया तो यहां पर कुछ ये रही होगी, यहां पर कम रह गई, यहां पर ज्यादा हो गई। तो बेसिकली आपका जो एक एरर जनरेट होती है हर एक में, एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल के बीच में जो अंतर है, दैट इज योर एरर। बेसिकली मैं कह सकता हूं कि ये एरर आपकी E1 हो गई इस सैंपल के लिए, E2 हो गई इस सैंपल के लिए। अब आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव भी हो जाती है कभी कभार, ये नेगेटिव भी हो रही है। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर ये बोलता है कि ऐसा कर्व जो कि ये पूरे जो है इसके स्क्वायर को, जो भी पूरा एरर है उसके सम को
मतलब उसका स्क्वायर करके सम अगर मैं करूं, बिल्कुल जो मिनिमम वैल्यू आ रही है जिस कर्व पे, वो कर्व है मेरा बेस्ट फिट का। सो जो सम है इवन स्क्वायर, जो एरर पहले में आई सैंपल में, दूसरे सैंपल में कुछ एरर रही है, ऐसी जो आपके एन सैंपल है दोनों सबके स्क्वायर कर दिए एरर के, और जो कर्व आपका बना बेस्ट फिट का, फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर, जो भी आपका एरर का सम ऑफ स्क्वायर है, ये मिनिमम होना चाहिए। मतलब ये जितना ज्यादा, जिस कर्व के लिए ये सबसे ज्यादा कम हुआ है, वो मेरा कर्व ऑफ बेस्ट फिट कहलाता है। और ये आपका प्रिंसिपल ऑफ ली स्क्वायर होता है, मतलब आपको जब मेथड आप अप्लाई करेंगे ली स्क्वायर का, तो आपका ये जो है सबसे कम आएगा। तो ऐसा आपको एक कर्व बनाना होता है। अलग अलग तरह के कर्व होते हैं मेथड ऑफ ली स्क्वायर के लिए आपके, मैं आपको अब वही सिखाने जा रहा हूं क्या क्या कर्व होंगे, किस तरह के कर्व आपके रहेंगे, और मेथडोलॉजी क्या अडॉप्ट करते हैं हम मेथड ऑफ ली स्क्वायर के लिए। सो आपका मेथड ऑफ ली स्क्वायर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर ये आपको देता है कि कोई भी, लेट से मेरे पास ये डेटा है X1 Y1 X2 Y2 XN YN तक, इसको मुझे फिट करना है किसी भी एक कर्व में। अलग अलग तरह के कर्व होते हैं। आपको क्वेश्चन में कैसा रहेगा कि डेटा दिया रहेगा, बोलेंगे कि आपको इस तरह के कर्व में आपको फिट करना है। तो हमें क्या करना होता है, लेट से ये जो है, ये आपका जो कर्व है, ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन अगर वो बोलेगा कि स्ट्रेट लाइन में आपको फिट करना है, तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है, इसमें फिट करना है। करना क्या होगा, आपके पास ये डेटा है, ए और बी कांस्टेंट आपको निकालने हैं और बस पुट कर देने हैं। वो निकालते कैसे हैं वो पूरा मेथड अभी बताता हूं मैं। ये आपका रहेगा पूरा स्ट्रेट लाइन, ये आपका पैराबोला में बोल देगा, या फिर वो कर्व की इक्वेशन दे देगा। जो तीन फेमस इक्वेशंस हैं अलग अलग जो देता है, वो ये तीन इक्वेशन है, ये तीन के क्वेश्चन आते हैं। तो हर एक के लिए मैंने पूरा मेथोडोलॉजी समझाई है, एक वीडियो प्रॉपर सबका बनाया है, उसमें उसके क्वेश्चन कराए हैं। ये पूरा आप कर लेंगे, बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन फिर आएगा एग्जाम में आप कर लोगे। एक चीज और इसमें रहती है, जो लास्ट में एक मैं आपको कराऊंगा, कि आपको अगर शिफ्ट करनी पड़ जाए ओरिजिन, कहीं कहीं आपको क्वेश्चन जो, अगर डेटा बहुत बड़ा हो गया, तो वहां ये दिक्कत ऐसी आ जाएगी कि जैसे पैराबोला में अगर मैं बोलूं, तो वहां पर आपको शिफ्ट किए बिना काम नहीं बनेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन करनी। तो वो मैं एक लास्ट वीडियो सारे ये खत्म होने के बाद कर्व्स सिखाऊंगा। अब स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोला हो गया, एक मेथडोलॉजी बेसिक क्या होती है सॉल्व करने। तो आपका मेथड कहता है सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट से मेरे को ये डेटा को स्ट्रेट लाइन में फिट कराना है, कोई भी में कराना है, मेथड सेम रहेगा। फॉर्म नॉर्मल इक्वेशन फर्स्ट, नॉर्मल इक्वेशन आपने बना ली, उनको फिर सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो आपके जो कॉन्स्टेंट है ना ए बी, ये मिल जाएंगे, और जैसे ही आपको ये मिले, आपको ये वापस जो आपकी लाइन की इक्वेशन है, जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है, उसमें पुट करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। सो बहुत सिंपल है, बेस रहता है ये नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनाना है। इन तीन में आपको लॉग लेना पड़ता है, लॉग लेके करना पड़ता है। स्ट्रेट लाइन और पैराबोला की आप याद कर सकते हैं किसी तरह। बेसिकली क्या है, अगर मैं कहूं ए प्लस बी एक्स, अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो इसकी जो नॉर्मल इक्वेशन बनेगी वो है सिग्मा वाई एन ए प्लस सिग्मा एक्स। ये फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन हो गई, यहां पर एन कर दिया, जो भी आपका वो टेबल है, बेसिकली अगर आप देखेंगे एक्स है वाई है, तो जो आपका एक्स वाई के पूरे हैं उनको सिग्मा करके लिख दिया। नेक्स्ट आपको सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करना है, सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई कर दो इसमें, एक्स वाई तो मतलब एक्स स्क्वायर भी बना लूंगा, यहां पर एक्स वाई भी बना लूंगा, टेबल में मल्टीप्लाई कर करके पूरी टेबल बना लूंगा, वहां से ये चीजें कर लूंगा और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। इस तरह से आप करते हैं, ये दो इक्वेशन बना ली, इनको आप सॉल्व कर लोगे, ए बी की वैल्यू आ जाएंगी, पुट करके अपना आंसर ले लोगे, इट्स सिंपल एज दैट। अब पैराबोला के लिए अगर मैं डिस्कस करूं, तो नॉर्मल इक्वेशन आपकी कुछ ऐसी रहती है, तो पैराबोला की आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से है, वही करना है, सिग्मा वाई कर दिया एन ए, एन बेसिकली आपका कि कितने एलिमेंट्स हैं आपके टोटल, बी सिग्मा एक्स
सी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली आप इक्वेशन से ही बना लेंगे, याद करने की अलग अलग जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट के लिए, क्योंकि यहां पर तीन कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं बी सी, तो तीन इक्वेशन की ही जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। अब यहां पर सिग्मा एक्स वाई, बस इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं सिग्मा एक्स से, तो ये पूरी बन गई। इसको मल्टीप्लाई कर दिया सिग्मा एक्स स्क्वायर से वन को ही, तो मेरी ये वाली इक्वेशन पूरी बन गई। और इन तीनों को आप फिर सॉल्व कर लेंगे। आप ये पूरा सॉल्यूशन कैलकुलेटर से कर लेंगे बड़े इजीली, आपको अपना आंसर मिल जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर भी तीन वेरिएबल तक कोई भी इक्वेशंस को सॉल्व करके देता है। तो ये इतना सिंपल रहेगा। इनके लिए आपको लॉग लेके नॉर्मल इक्वेशन बनानी पड़ती है, वो मैं जब हर एक का आप प्रॉपर डिस्कस कराऊंगा तब आपको समझाता जाऊंगा। बेस के लिए मैंने ये दोनों सिखा दिए, आप ये दोनों पहले सीखिए, फिर इनके क्वेश्चन करिए, उसके बाद आप ये बड़े इजीली समझ जाएंगे आगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।